ये कहानी है भारत के वीर पुत्र और मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप की। कुंवर प्रताप राणा उदय सिंह से कुंवर शक्ति को रिहा करने का अनुरोध करते हैं और राणा उदय सिंह मान जाते हैं। दूसरी ओर काल कोठरी में भानु सिंह राणा उदय सिंह के विरुद्ध अपशब्द बोलते हैं, जिससे कुंवर शक्ति क्रोधित होकर उन पर वार करते हैं और वहां से भाग जाते हैं, जिसके पश्चात भानु सिंह की मृत्यु हो जाती है। वहां राज ज्योतिषी राणा उदय सिंह को बताते हैं कि ग्रहों के अनुसार कुंवर शक्ति के कारण राज्य को हानि हो सकती है। राजमहल में कुंवर शक्ति को देख कुंवर प्रताप उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं और दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है। वहां काल कोठरी में भानु सिंह को मृत देखकर राणा उदय सिंह कुंवर शक्ति को तुरंत पकड़ने का आदेश देते हैं। अब आगे कुंवर शक्ति, चलिए मासा, हमारे पास समय नहीं है। आपको जो सही लग रहा है, आवश्यक नहीं है कि वही सही हो। ये सब तो हम आपके लिए कर रहे हैं ना, भूल गई? कितना अपमान सहा आपने यहाँ पर, मिला क्या है हमें यहाँ पर? आपने मिला क्या है? पहचान मिली है हमें यहाँ, राणा जी जैसे देवता पति मिले, आप और विक्रम जैसे पुत्र मिले हैं, और जो हमें मिला है ना, शायद कितने लोगों को कितने जन्म लेने के बाद भी नहीं मिलता। तो क्या अब भी हम अपनी नियति को कोसे? बोलिए, भूल जाए हमें जो भी मिला है। हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है माँ, यदि यही आपका अंतिम निर्णय है तो रहिए यहीं। जा रहे हैं हम। बुआ जी, अब ठीक तो है ना? रोकिए अपने छोटे भाई को। चिंता मत कीजिए मंजली माँ, हम भाई शक्ति को कहीं नहीं जाने देंगे। कुंवर शक्ति सिंह जी, आप बंदी बनाए जाते हैं। स्थान ग्रहण शक्ति, आज आपने पिता और पुत्र के बीच संबंधों के आखिरी धागे को भी तोड़ दिया है। इसी क्षण से आप हमारे लिए पुत्र नहीं, एक अपराधी, मात्र एक अपराधी। तो अब बताइए, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसने आपको ऐसा घृणित अपराध करने के लिए विवश कर दिया? आप जानते हैं कुंवर शक्ति, एक राजा के सामने पूछे जाने पर भी उत्तर ना देना, मौन रखना, न्याय के सिद्धांतों से इसे राजद्रोह माना जाता है। और हम आशा करते हैं कि आप अपने विरुद्ध लगाए गए अपराधों की सूची में एक और अपराध जोड़ने की मूर्खता नहीं करेंगे। ये उत्तर दीजिए, कुंवर शक्ति, हम आपसे पूछ रहे हैं, ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जिसने आपको अपना काम कर रहे रक्षा अधिकारी पर हाथ उठाने के लिए विवश कर दिया, उसके प्राण लेने पर विवश कर दिया? और शक्ति, जवाब दीजिए हमारा। जीजा, राणा जी क्या कह रहे, हमारे कुंवर शक्ति ने किसी के प्राण नहीं लिए। हमने किसी को भी नहीं मारा है दाजी राज। ठीक है कुंवर शक्ति,
देखिए भानु सिंह के शव को। और अगर इसे देखने के बाद भी आपने हमसे झूठ बोलने का दुस्साहस किया तो शपथ हमें इस मातृभूमि की कि हम आपका सर आपके घर से अलग करवा देंगे। राणा जी, हमारे कुंवर शक्ति ने किसी के प्राण नहीं लिए। कुंवर जी बताइए ना, राणा जी को आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्यों चुपचाप खड़े बताइए ना। ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने क्या किया। वैसे भी जब अपराध सामने हो तो बड़े से बड़ा अपराधी भी कुछ बोल नहीं पाता। राणा वैसे ही ऐसा राजा है, सदा ही अपने निर्बल इच्छा शक्ति को, अपने आदर्शों, अपने न्याय की बड़ी बड़ी बातों की आड़ में छिपाया है। वो मेवाड़ का राजा बनने के योग्य ही नहीं है। अपने बचाव में कुछ बोलिए कुंवर शक्ति, अन्यथा मेवाड़ की न्याय पुस्तक में ऐसे अपराध के लिए सबसे बड़ा दंड होता है और हमें वही दंड आपको सुनाना पड़ेगा। वो दंड अपराधी की जान ले लेता है। परंतु दाजीराज, भाई शक्ति को अपने बचाव में कुछ कहने तो दीजिए। कुंवर प्रताप, आप क्या चाहते हैं कि न्याय की गरिमा के लिए आज हम अपने दोनों पुत्र खो दें? इसलिए आप शांत हो जाइए। हम अपने सामंतों से पूछना चाहते हैं कि आप ही बताइए कि इस अपराधी को कौन सा दंड मिलना चाहिए। आप सब बिना किसी भय के अपना मत दें। न्याय करो राणा जी, न्याय करो, न्याय करो। कौन है ये? हुकुम, भानु सिंह की विधवा है। इन्हें अंदर आने दिया जाए। हुकुम, सारे मेवाड़ में आपके न्याय का डंका मचता है और आज मुझे आपसे न्याय चाहिए। मेरे पति ने हमेशा आपकी सेवा की, इस पूरे मेवाड़ की सेवा की, आपके इसी दरबार में उसकी हत्या हो गई। और हत्या करने वाला कोई और नहीं, हत्या करने वाला आपके ही पुत्र है। बताइए क्या मिलेगा मुझे न्याय? अगर आज आपने मुझे न्याय नहीं दिया तो आप अपने बेटे को तो बचा लेंगे, लेकिन सब यही कहेंगे कि पूरे मेवाड़ में न्याय का मिलना बंद हो गया। बोलिए हुकुम, मिलेगा मुझे न्याय? कुंवर शक्ति, हम आपसे अंतिम बार पूछ रहे हैं, क्यों किया आपने ऐसा? हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप जानते हैं ना कि सामान्य रूप से ऐसे अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता है। एक राजपूत अभी मृत्यु से भयभीत नहीं होता, ये बात आपने ही हमें सिखाई है ना राजीराज? ठीक है कुंवर शक्ति, मेवाड़ की गौरवशाली न्याय परंपरा पर कोई आंच नहीं आएगी। निर्णय होगा जो न्याय के मूल्यों पर खरा उतरेगा। ये मेवाड़ नरेश का अपनी मेवाड़ प्रजा को वचन। इस अपराधी को क्या दंड मिलेगा, इसका निर्णय हम अपने मन में ले चुके हैं।
लेकिन इसे सुनाने से पहले हम अपने सभी सामंतों से विचार विमर्श करना चाहेंगे। आप धन्य है हुकुम, आपका न्याय धन्य है। राणा उदय सिंह की जय हो। चलिए सभी सामंत हमारे साथ। घबराइए मत भाई शक्ति, हम कुछ ना कुछ करते हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम जानते हैं जगमान, हम अभी तक आपका भविष्य सुरक्षित नहीं कर पाए, पर आप चिंता ना करें, बहुत शीघ्र ही ना ही सिर्फ आपका भविष्य सुरक्षित करेंगे पर आपको सारे सुख और सुविधाएं भी देंगे। खड़े घमा रानी साहब, अनर्थ हो गया रानी साहब, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? वही जो मेवाड़ के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, एक पिता अपने पुत्र को सबसे बड़ा दंड सुनाने जा रहे हैं। सच कह रही हो तुम? जी रानी साहब, जल्दी चलिए। तुम जाओ, हम अभी आते हैं। जी रानी साहब। कितने भाग्यशाली हैं आप हमारे लिए सच में ईश्वर का वरदान है। बस एक बार राणा जी कुंवर प्रताप को दंड सुनाते तो कुंवर प्रताप हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे। हाँ जगमान। राणा जी, आप तो कुंवर शक्ति को जानते हैं ना, भगवान के लिए कोई भी कठोर निर्णय मत लीजिएगा राणा जी। जीजा, जीजा सब जाइए ना राणा जी को बोलिए ना। रानी माँ कहिए ना दाजी राज से। राणा जी, कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार कुंवर शक्ति का पक्ष भी सुन लीजिए। किसी भी अपराध के दो विवरण नहीं होते, अगर इतनी सी बात हमें मेवाड़ की महारानी को समझानी पड़े बहुत ही लज्जा की बात है हमारे लिए। राणा जी, जीजा बोलिए ना राणा जी से, कहिए ना। हाँ रानी माँ, दाजी राज से कहिए ना। रुक जाइए राणा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपका ये निर्णय मेवाड़ के भविष्य को प्रभावित कर देगा। रानी माँ, अब दाजी राज सुनेंगे ना, छोटी माँ की बात दाजी राज अवश्य सुनते हैं, है ना। मेवाड़ के भविष्य को कोई आँच नहीं आएगी धीर भाई जी, क्योंकि मेवाड़ का भविष्य कुंवर शक्ति नहीं, कुंवर प्रताप है। सुना आपने, कुंवर प्रताप। ये हमने क्या सोच लिया, दंडनीय अपराध तो कुंवर शक्ति ने किया है, कुंवर प्रताप ने नहीं। हट जाइए हमारे रास्ते से। चिंता मत करिए मंजलि माँ, अभी भी निर्णय सुनाने में समय है और हमें भाई शक्ति पर पूरा विश्वास है और हम ये सिद्ध कर देंगे कि भाई शक्ति अपराधी नहीं है। चिंता मत कीजिए। जिस समय भानु सिंह जी मारे गए थे तब आप थे ना यहाँ पर, हमें बताइए क्या हुआ था यहाँ। क्षमा करें बाबूजी राज, उस समय हम यहाँ नहीं थे, बाहर गश्त लगा रहे थे। तो फिर आप में से कोई तो होगा यहाँ पर, क्या आप थे? आप थे? आप थे यहाँ पर? हम भी नहीं थे उस समय बाबूजी राज। तो क्या हमारे भाई शक्ति एक ऐसे अपराध के लिए दंडित हो गए जिसे किसी ने होते हुए नहीं देखा? हम जानते हैं बाबूजी राज क्या हुआ था यहाँ, शीघ्र बताइए हमें। आप यहाँ पर थे ना, हमें बताइए ऐसी कौन सी बात थी जिसने भाई शक्ति को भानु सिंह को मारने के लिए विवश कर दिया? हमें नहीं लगता इसमें बाबूजी राज शक्ति का कोई अपराध था। तो फिर शीघ्रता से हमें पूरी बात बताइए। तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि वास्तव में ये एक हत्या नहीं बल्कि दुर्घटना थी, और वैसे भी भाई शक्ति ने जो भी किया वो भानु सिंह के उकसाने पर किया, दाजीराज का अपमान नहीं सहन करने के कारण किया। तो फिर भाई शक्ति ने ये बात दाजीराज से क्यों नहीं कही?
दाजीराज से जाकर कहिए कि हमें उनसे शीघ्र ही मिलना बहुत ही आवश्यक है। क्षमा करें बाबूजीराज, हुकुम का आदेश है, बैठक भंग ना की जाए। दाजीराज, निर्णय घोषित करने से पहले बस एक बार हमारी सुन लीजिए। दाजीराज, दाजीराज हमारी एक बार बात सुन लीजिए। दाजीराज, दाजीराज द्वार खोलिए ना, उनको अंदर आने दिया जाए। दाजीराज, दाजीराज हमने कारण ढूंढ लिया है। भाई शक्ति ने जो किया उसके पीछे का कारण हमें पता चल गया है। हम आपको पूरी घटना बता सकते हैं दाजीराज कि क्या हुआ था। कुंवर प्रताप, हम निर्णय ले चुके हैं। कुंवर शक्ति को उनके अपराध के लिए कल सूर्योदय से पहले मृत्यु दंड दिया जाएगा। रुकिए, बताइए अभी अभी जो दाजीराज ने हमसे कहा वो सच नहीं है ना? बोलिए वो सच नहीं है ना? ये असंभव है, भाई शक्ति बिना कोई कारण के ऐसा अपराध कर ही नहीं सकते। उनकी आयु तो देखिए, वे कितने छोटे हैं, कितने गुणी हैं वे। उनको मृत्यु दंड। हम अब सभी मेवाड़ के सामंतों के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप दाजीराज के सामने पूर्ण विचार का प्रस्ताव रखिए। क्षमा कीजिए कुंवर प्रताप, मेवाड़ की न्याय पुस्तिका में लिखे नियमों के अनुसार कुंवर शक्ति पर जो आरोप सिद्ध हुए हैं वो हत्या के हुए हैं, और इसीलिए हम सभी की सहमति के बाद राणा जी को एक कठोर निर्णय लेना पड़ा। मत मानिए चुपचाप इस निर्णय को। आप सभी अपने प्रभाव से इस निर्णय को बदलवा भी सकते हैं। कुछ नहीं तो सही, एक बार प्रयास तो करिए। काल चक्र को घूमने से कोई नहीं रोक सकता बाबूजीराज। कुंवर शक्ति का दुर्भाग्य तो देखिए, एक तो वो ऐसे अपराध में फंस गए, ऊपर से चुंडावत जी भी इस समय यहाँ पर नहीं है। एक वही है जो राणा जी से पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, अन्यथा हम अपने भाई शक्ति को बचाने के लिए काल चक्र को भी रोक लेंगे। फार्मल जी, हमें बताइए इस समय रावत जी हमें कहाँ मिल सकते हैं? वो तो इस समय यहाँ से बहुत दूर मेवाड़ की सीमा के पार अपने पैतृक चुंडा गांव में। परंतु बाबूजीराज, आप जानते हैं कि मृत्यु दंड कल सुबह देना तय है। इतने कम समय में आप चुंडा गांव जाकर वापस नहीं आ सकते, वहां का मार्ग बड़ा ही कठिन और दुर्गम है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप कहीं ना जाएं, यहीं रहकर अपने भाई को अंतिम विदाई दें। भाई शक्ति के लिए इतनी कठिन सुरक्षा, इन 7 तालों में बंद कर रखा है इन्हें, जैसे कि वे कोई खूंखार अपराधी है। हमें भी सारी व्यवस्था भारी मन से ही करनी पड़ती है बाबूजीराज, क्या करें। नियम कहता है कि जिसे मृत्युदंड मिल चुका हो उसे सबसे कड़ी सुरक्षा में रखा जाए। द्वार खोलिए। हमारे साथ अंतिम बार भोजन करेंगे, इसे मेवाड़ के सर्वश्रेष्ठ पक्षार्थियों ने मिलकर बनाया है। यह हमारा अंतिम भोजन। हमें पता चल चुका है भाई शक्ति, हम जानते हैं कि उस रात क्या हुआ था, क्यों आपको इतना क्रोध आया था, क्यों आपने भानु सिंह जी को मारा था, और हम ये भी जानते हैं कि आपने भानु सिंह को सोचे समझे उद्देश्य के साथ नहीं मारा था। भाई शक्ति, ये सारी बातें आप दाजीराज से कह दीजिए, वे आपको निश्चित रूप से क्षमा कर देंगे। जब ये सब आपने दाजीराज के लिए किया है तो फिर कम से कम दाजीराज को तो इसका पता चलना चाहिए ना, है ना भाई शक्ति? हमने कोई भी कार्य दाजीराज को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया है, और हमें भीख न मांगा हुआ कुछ भी नहीं चाहिए। ये आपको क्या हो गया भाई शक्ति, कम से कम मंजरी माँ के बारे में तो सोचिए। हमने उन्हें वचन दिया है कि हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, और आप एक यहाँ पर अपनी हट लगा कर बैठे हैं। वचन तो हमने भी दिया था मासा को कि प्रतियोगिता में आपको हरा कर
मेवाड़ की राजगद्दी के उत्तराधिकारी बनकर दिखाएंगे। उनको वो सम्मान दिलवाकर रहेंगे जो एक मेवाड़ की महारानी को मिलना चाहिए। पर क्या हुआ उस वचन का? भाई शक्ति, एक बार यहाँ से निकलने के बाद आप मंजिली माँ को दिए सारे वचन पूरे कर सकते हैं। हमें मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठने का कोई चाव नहीं है। जिस दिन हमें वहाँ पर बिठाया जाएगा, हम उसी दिन आपको राजगद्दी सौंप देंगे भाई शक्ति। फिर आप मंजिली माँ को दिए सारे वचन भी पूरे कर लीजिएगा। पहले यहाँ से तो निकलने का मार्ग देखिए। हमें भीख में कुछ नहीं चाहिए, न राजमुकुट न जीवन। चलो ठीक है भाई शक्ति, परंतु हमें एक बात बताइए, क्या एक राजपूत को ऐसी मृत्यु शोभा देगी? गुरुकुल में जाकर गुरुवर से इतना कुछ सीखने के बाद अपने देश के लिए लड़ते लड़ते मरना अच्छा है या फिर इस काल कोठरी में बैठकर अपराधियों की तरह मरना अच्छा है? बताइए हमें, कौन सी मृत्यु अच्छी है? बताइए भाई शक्ति। अब आप जाइए और हमें भी शांति से अपना अंतिम भोजन करने दीजिए। भाई शक्ति, बहुत देख लिया आपका हट। अब जब तक हम आपसे वो सारी चीजें नहीं करवा लेंगे जो आपको छुड़वाने के लिए आवश्यक है, तब तक ना हम आपको कुछ खाने देंगे ना ही पीने। समझ गए आप?